हेलो स्टूडेंट्स, मैं सब रोनम मंत्री। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे एक आएगा जो टॉपिक है, जो मैंने आपको बताया था हम तीन लोग के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें से हमारे पास नेक्स्ट लो आ रहा है, लो ऑफ सेग्रीगेशन और लो ऑफ प्योरिटी ऑफ जेमेट्स। यानी कि हमारे इस लो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे पास जो अलग अलग टाइप के जेमेट्स होते हैं किस तरीके से अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं और दिखाते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो बिना देर करे अपन अपने लो पे आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखें, मेंडल ने ये सेकेंड लॉ दिया, उसके अकॉर्डिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग ऑफ जेमेट फॉर्मेशन, जब जेमेट्स बनते हैं फ्रॉम F1 जनरेशन, जब F1 जनरेशन से जेमेट्स का बनने का काम हो रहा है, तो F1 जनरेशन और फिर आगे है हाइब्रिड प्लांट जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, और हेटरोजीनियस प्लांट, बोथ द एलेल्स गॉट सेपरेटेड और सेग्रीगेटेड फ्रॉम ईच अदर। यानी कि वो अपने पास हाइब्रिड प्लांट हो या हेटरोजाइगस प्लांट हो, दोनों में क्या होगा, आपस में क्रॉस करवाया जाएगा, जिससे इनके एलेल्स जो लक्षण होंगे हमें सेपरेशन सेपरेट रूप से प्राप्त है, और इनके जो एलेल्स मतलब यहाँ पे आएंगे कैरेक्टर या फिर लक्षण हो सकता है। ठीक है ना, और goes into separate gametes, इनके जो लक्षण होंगे अलग अलग gametes में जाकर के हमें अलग अलग रूप से दिखाई देंगे, मतलब हर चीज बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी। तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन, प्योरिटी ऑफ gametes वाला भी लॉ बोल सकते हैं। फिर आगे दे रखा है, hence it is known as law of segregation, इसलिए इसको law of segregation के नाम से भी जाना जाता है। Each gamete contain only one allele, हर gamete में केवल एक ही लक्षण हो सकता है, और वन कैरेक्टर, सो इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ जेमेट्स, इस वजह से इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ जेमेट्स बोलते हैं। एक जेमेट में केवल एक ही लक्षण, मतलब पूरी तरीके से प्योर, वो उसी के रूप में बारे में बता रहा है, तो इससे हम ये चीज पता चल गई कि वो क्या है, प्योरिटी ऑफ जेमेट्स वाला लॉ है। ठीक है, अब इसको समझना मतलब इजी तरीके से अपन कैसे समझ सकते हैं, तो उसके लिए क्या है, जैसे भाई अपने पास एग्जाम्पल देखे थे चलते हैं अपन। एग्जाम्पल है एक तो कैपिटल टीटी, और एक है अपने पास स्मॉल टीटी। कैपिटल टी का मतलब ये होता है कि जो प्लांट है पूरी तरीके से प्योर लंबे हैं, मतलब इसके अंदर मिक्सचर नहीं है। जैसा कि आपने पहले डिस्कस करा था, टी और स्मॉल टी ये भी होंगे तो लंबे, बट अगर यहाँ पे क्या है अपने पास लंबे होने के साथ साथ यहाँ पे स्मॉल टी भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो मतलब प्योर लंबे नहीं है, प्योर टॉल नहीं है, मिक्सचर में है। इसलिए और मिक्सचर में होने के बावजूद भी बताया था मैंने आपको, जो कैपिटल वाला लक्षण होता है, कैपिटल वाला कैरेक्टर होता है, वो ही नजर आता है, मतलब नजर तो टॉल ही आएंगे, बट यहाँ पे जो ड्वार्फ वाला नेचर है, यानी ड्वार्फ वाला कैरेक्टर है, बोनेपन वाला कैरेक्टर, वो भी अवेलेबल है, तो इस वजह से ये पूरी तरीके से प्योर नहीं माना जाएगा। और कैपिटल टी दोनों आ रहे हैं, अगर कैपिटल ही आ रहे हैं तो ये पूरी तरीके से प्योर माना जाएगा, यहाँ पे भी ये पूरी तरीके से ड्वार्फ माना जाएगा, मतलब पूरी तरीके से बोना माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है अपने पास टॉल प्लांट टीटी क्रॉस्ड विद ड्वार्फ प्लांट, टॉल प्लांट को क्रॉस करवाया जाता है ड्वार्फ प्लांट के साथ में, तो किस प्रकार से हमें प्लांट के हैं आगे की जनरेशन मिलती है उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपने पास है टॉल, जिसको टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ड्वार्फ को अपन स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनके आपस में क्रॉस होने की वजह से हमें F1 जनरेशन मिलेगी। अब F1 जनरेशन ये रही है हमारे पास, देखें इनके पास आपस में क्रॉस होने की वजह से इसका जो जेमेट हो गया वो तो क्या है टी, इसका जेमेट हो गया टी, तो ये चीज क्या है इनके जेमेट्स। अब ये जेमेट्स क्या है, आपस में क्रॉस कराया जाता है, इन जेमेट्स के आपस में क्रॉस करने की वजह से क्या होता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों प्रकार के लक्षण वाला एक मिक्सचर हमें मिला, वो F1 जनरेशन में प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो सेकंड वाला लॉ अपना मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, F1 जनरेशन में जो अपन को मतलब प्लांट के कैरेक्टर मिले हैं, जेमेट मिले हैं, उनका वापस से क्रॉस कराया जाएगा। तो देखो टीटी और ये टीटी जो अलग अलग वाले हैं, इनमें से एक को तो मान लिया अपन ने फीमेल जेमेट और एक के कैरेक्टर ले लिया मेल जेमेट के। ठीक है, अब इनमें वापस से क्रॉस सेक्शन करवाया जाता है, तो इनमें क्रॉस सेक्शन किस तरीके से कराएंगे तो वो देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसके लिए टेबल बनानी होती है, जो अपने पास कैरेक्टर्स हैं उनको इस तरफ रिप्रेजेंट कर देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर बाद में अगर अपन कैपिटल टी वाले कैरेक्टर को कैपिटल टी वाले कैरेक्टर के साथ में लेकर के चलते हैं,
तो वहां पर से अपने पास कैपिटल टी और कैपिटल टी का ही कैरेक्टर बनता है, मतलब कि सारे जो प्लांट है अपन को इस जगह इस बॉक्स में सारे लंबे प्योर लंबे प्लांट प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद आती है कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में है तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाला कैरेक्टर बन गया, मतलब यहाँ पे प्लांट है तो लंबा मतलब टॉल बट इम्प्योर, मतलब क्योंकि यहाँ पे क्या है स्मॉल और जो लॉन्ग है वो दोनों मिक्स में है और मिक्स में होने की वजह से इसको पूरी तरीके से प्योर नहीं बोला जाएगा। फिर आती है अपने पास स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ होता है तो भी वहां पर से कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला कैरेक्टर ही बन रहा है, ये भी पूरी तरीके से प्योर नहीं है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल दोनों कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो रहे हैं बट जो इफेक्ट है वो किसका रहेगा हमेशा कैपिटल टी का, तो इस वजह से है तो लंबे मतलब है तो लंबे बट जो स्मॉल वाला कैरेक्टर भी इसके अंदर अवेलेबल है। फिर आता अपने पास स्मॉल टी यानी कैसे आ रहा है, इस टी को इस टी के साथ में ले जा रहा है तो स्मॉल टी ये हो गए हमारे बोने वाले, बोना मतलब ड्वार्फ, जो क्या है पौधे जो होंगे वो पूरी तरीके से बोने होंगे, इनमें कैपिटल वाला एक भी कैरेक्टर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये लंबे होने के चांसेस इनके नए के बराबर है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो हमें हमारे यहाँ पे थ्री टाइप्स के प्लांट्स मिले हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाले और दोनों स्मॉल टी वाले। ठीक है ना, तो इनका रेशो देखना है, एक तो होता है दो टाइप का रेशो होता है फेनोटाइपिक रेशो। फेनोटाइपिक रेशो में केवल ये चेक करना होता है कि भाई प्लांट लंबा है या बोना है। ठीक है ना, लंबे वाले कैरेक्टर हमारे पास कितने आ रहे हैं 1 2 3, थ्री कैरेक्टर्स लंबे वाले हैं और बोने वाले कितने आ रहे हैं 1, तो टॉल और ड्वार्फ का रेशो क्या हो गया 3:1। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं होगा। फिर इसके बाद होता है जीनोटाइपिक रेशो। जीनोटाइपिक रेशो मतलब इनके जो अंदर जीन्स अवेलेबल है उनके आधार पे इनका रेशो क्या होगा वो हमें पता करना है। तो सिंगल टाइप का तो 3T वो ओनली 1 है तो इसके लिए आ गया हमारे पास 1। फिर मिक्सचर वाले जो टी और छोटे टी दोनों वाले हैं तो उनकी जो क्वांटिटी है वो 2 है तो 2 हो गया। फिर अपने पास स्मॉल टी वाले कितने हैं 1, तो इनका रेशो क्या हो गया हमारे पास 1:2:1। ठीक है, तो इस तरीके से जीनोटाइपिक रेशो और फेनोटाइपिक रेशो हमें पूछ सकते हैं, तो ये हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए। क्वेश्चन आपका शॉर्ट में इस तरीके से बन सकता है कि भाई अपने पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ जेमेट्स में कि भाई अपने पास जो फेनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो आता है वो क्या होता है उसको आप एक बार बताइए, तो वो आपको बताना होगा। फिर आ रहा अपने पास इसके बाद इसी के अंदर लॉ के अंदर दो अपने पास लॉ रह गए हैं या फिर दो डिफाइंस रह गई हैं बैक क्रॉस की, टू टाइप्स होते हैं बैक क्रॉस अपने पास टू टाइप्स के हैं, जिसमें से फर्स्ट तो अभी अपन देख रहे हैं जो है आउट क्रॉस, उसको क्या बोलते हैं अपन आउट क्रॉस। आउट क्रॉस के डिफाइन देखते हैं TT कैपिटल टी और स्मॉल टी ये वाले जो प्लांट होते हैं इज क्रॉस्ड विद TT डोमिनेंट, इनको क्रॉस कराया जाता है डोमिनेंट TT के साथ में। डोमिनेंट यानी कि ये वाले तो क्या है पूरी तरीके से प्योर टॉल हैं और ये वाले इम्प्योर टॉल होते हैं, मतलब इसमें ड्वार्फ और टॉल दोनों वाले नेचर मिक्स होते हैं बट इसमें क्या होता है कैपिटल वाले नेचर ही ओनली पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में आपस में क्रॉस कराया जाता है कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल डी के बीच में क्रॉस करवाया जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा देखें, प्लांट वी ऑब्टेन 100% टॉल, अपन को 100% टॉल प्लांट मिलेंगे, मतलब सारे जितने प्लांट्स होंगे वो सारे कैसे होंगे टॉल ही होंगे। अब बट उसमें क्या होता है कि कुछ होंगे मिक्सचर वाले कुछ होंगे प्योर, जैसे कि 50% तो होते हैं होमोजाइगस टॉल और 50% होंगे हेटरोजाइगस टॉल। 50% प्लांट जो मिलेंगे हमें वो तो क्या होंगे होमोजाइगस टॉल और 50% जो होंगे वो हेटरोजाइगस टॉल होंगे। अब होमोजाइगस और हेटरोजाइगस क्या होते हैं ये अपन पहले देख चुके हैं, जैसे कि होमोजाइगस की बात हुई तो होमोजाइगस तो क्या होते हैं जो पूरी तरीके से प्योर होते हैं, मतलब कि पूरी तरीके से प्योर ओनली TT वाले प्लांट, यानी कि जिसमें केवल एक ही टाइप का कैरेक्टर अवेलेबल है और इफेक्ट भी वही दिखा रहे हैं। दूसरे आते हैं हेटरोजाइगस प्लांट, हेटरोजाइगस में क्या होता है कि भाई कैरेक्टर कैपिटल टी यानी टॉल और स्मॉल दोनों वाला कैरेक्टर पाए जाते हैं बट जो रिप्रेजेंट होता है या इफेक्ट जिसका होता है वो हमेशा ओनली कैपिटल टी वाले का ही होता है, मतलब टॉल वाला नेचर ही में दिखाई देता है। ठीक है,
तो अब इनके बीच में क्रॉस कराया जा रहा है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक है। इन दोनों के जो अलग अलग जेमेट्स है वो हमने ले लिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका तो एक ही जेमेट है टी, तो हमने टी ले लिया। अब इनका वापस से बैक क्रॉस करवा के चेक कर रहे हैं अपन की भाई क्या हमें मिलता है। तो देखें कैपिटल टी स्मॉल टी उसका अपन क्रॉस करवा रहे हैं इस टी के साथ में। तो देखें इस टी को इस टी के साथ में जैसे हमारे पास क्या आ रहा है टी टी, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। इस टी को वापस से स्मॉल टी के साथ में अगर अपन क्रॉस करवा रहे हैं तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वापस से मतलब अपन जो लेकर के चले हैं वही हमें मिले हैं। हमारे पास जो मतलब प्लांट मिले हैं या जो हमारे पास ऑर्गन मिले हैं वो क्या है, जो हम स्टार्टिंग में लेकर चले जस्ट वो की वही चीज है। मतलब एक तो है हमारे पास टी टी और दूसरा है स्मॉल टी कैपिटल टी, मतलब कि 50% तो है पूरी तरीके से प्योर और 50% है पूरी तरीके से प्योर नहीं है। मतलब कि ये है अपने पास होमोजाइगस, ये है हेटरोजाइगस, एक मिक्सचर वाले और एक प्योर वाले, आधे आधे हमें इनकी संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट हुआ होगा। इसके बाद आएगा अपने पास सेकंड जो क्रॉस वाला, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एक बार यहाँ तक कंप्लीट करें, जो भी कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से इस लॉ से रिलेटेड वापस एक बार जरूर पूछ लें। आज की क्लास हमारी यहीं होती है।